कोरोना वायरस के चलते लगे लॉकडाउन से भारी नुकसान उठा चुके पोल्ट्री फार्म्स को अब बर्ड फ्लू का डर सताने लगा है। अभी तक बर्ड फ्लू का कोई केस सामने नहीं आया है। कुछ राज्यों में तेजी से पांव पसार रही बीमारी को लेकर निदेशालय ने सूबे के सभी मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारियों को अलर्ट जारी किया है। इस संबंध में मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर देवेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि पक्षियों से फैलने वाली बीमारी बर्ड फ्लू को लेकर निदेशालय ने अलर्ट जारी कर दिया है। पशुपालन विभाग भी सतर्कता बरत रहा है, अप्रवासी पक्षियों की निगरानी की जा रही है। हालांकि जिले में अभी तक कहीं भी बर्ड फ्लू के फैलने की पुष्टि नहीं हुई है। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर देवेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि पशु चिकित्सा अधिकारियों को सतर्कता बरतने को कहा गया है। कहीं से भी पक्षियों के मरने की खबर आते ही सैंपल लेकर जांच के लिए बरेली भेजा जाएगा। हर माह बर्ड फ्लू की जांच के लिए सैंपल बरेली भेजा जाता है। अभी तक सभी सैंपल निगेटिव पाए गए हैं। पोल्ट्री फार्म्स को सलाह दी गई है कि वे पोल्ट्री फार्म के आसपास लोगों को आने जाने से रोकें, फार्म के चारों तरफ चूना गिराएं। उन्होंने बताया कि बर्ड फ्लू ऐसी बीमारी है जो संक्रमित पक्षी से दूसरों में फैलता है। इसकी चपेट में आकर इंसान भी संक्रमित हो सकता है। ठंड के मौसम में दूसरे देशों से आने वाले प्रवासी पक्षियों से बर्ड फ्लू का खतरा बढ़ जाता है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर देवेंद्र कुमार शर्मा ने कहा, बर्ड फ्लू कई प्रांतों में बर्ड फ्लू की इंसिडेंस मिली है, जहां पर अचानक से पक्षी मरे हैं उनकी जांच कराई गई है तो वो बर्ड फ्लू के पॉजिटिव पाए गए हैं। तो उसी को लेकर के सभी राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है कि इसके बचाव के लिए जो जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा सावधानियां हैं वो की जाएं। जैसे कि हमारे प्रदेश में ही अब हमने जितने भी पोल्ट्री फार्म हैं सभी अपने डॉक्टर्स को निर्देशित किया गया है कि नियमित रूप से वहाँ पर निरीक्षण करें, और अगर अचानक कोई पक्षी कहीं मरे हुए मिलते हैं संख्या में 5, 10, 15 तो उसकी तुरंत सूचना दी जाए। और जो भी मुर्गी पालक हैं जो पोल्ट्री फार्म्स हैं वहाँ पर बायोसिक्योरिटी मेजर्स का पूरी तरह से पालन किया जाए। सर, आखिर बर्ड फ्लू है क्या? बर्ड फ्लू ये एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि जिसमें रेस्पिरेटरी सिम्टम्स ज़्यादा आते हैं और ये पक्षियों में ही ज़्यादा होता है। पक्षियों से मनुष्यों में भी कॉन्टैक्ट से हो सकता है और मनुष्यों में भी रेस्पिरेटरी सांस लेने में तकलीफ है और इस तरह की समस्याएं जो पैदा हो सकती हैं, तो इसलिए इसका बचाव बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। सर, इसमें किस तरह से सावधानियाँ बरती जा सकती हैं? सावधानियाँ ये हैं कि सबसे पहले तो ये है कि जो पोल्ट्री फार्म्स हैं हमारे उन पर नियमित रूप से साफ सफाई रखी जाए, किसी भी नाजायज व्यक्ति का आना जाना वहाँ पर ना हो, दूसरा संक्रमण फ्री हो, तीसरा जो है जो उनका जो अवशेष बचते हैं मुर्गी फार्मों के, जैसे मान लीजिए मुर्गियों को मारा गया या उनके अंडे हैं या जो कुछ भी है, तो वो सब कायदे से उनका डिस्पोजल होना चाहिए, गड्ढे में उनको दबाना चाहिए, ये नहीं को खुले में कहीं छोड़ दिया जाए। तो करंट में भी इसकी कोई रिपोर्ट आई थी? नहीं, अभी हमारे प्रदेश में कोई इस तरह की रिपोर्ट नहीं है। अभी यहाँ पे सब ठीक है और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ये कहीं पे कोई इन्फेक्शन ना फैलने पाए।